नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में बात करेंगे आप अपने जियो वाईफाई की स्पीड किस तरह से बढ़ा सकते हो। आपके पास जियो वाईफाई है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम आती है, तो उसकी स्पीड किस तरह से बढ़ा सकते हो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्पीड टेस्ट करके बता देता हूँ, मेरी वाईफाई की स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पर आप स्पीड टेस्ट लिख के यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पर आ सकते हो, यहाँ पर रन एंड स्पीड टेस्ट पर क्लिक करोगे जैसे ही तो यहाँ पर आपकी वाईफाई की स्पीड यहाँ पर शो कर लेगी। तो आपका वाईफाई आपके लैपटॉप या जो भी कंप्यूटर या मोबाइल जिससे भी आप यहाँ से जो स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आपका वाईफाई उसे कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको सारा प्रोसेस वाईफाई कनेक्ट करके ही करना होगा। तो आपको पहले वाईफाई कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको एक वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हो इस वेबसाइट का लिंक है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट वो वेबसाइट पे नहीं पहुँचा रहा है, लेकिन आप कहीं दूसरी तरफ से भी जाके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। इसका वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे ऊपर ऐसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड के लिए कहेगा, तो आपका यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर होगा और पासवर्ड भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा यदि आपने पहले कभी यहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो नॉर्मल जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डाल देना है, उसके बाद पासवर्ड भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर डालना है, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो उसकी स्पेलिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डालने के बाद इसे एंटर कर देना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आपके जो भी वाईफाई जो आपका कनेक्ट है उसकी सारी यहाँ पे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जियो वाईफाई यहाँ पे जो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको इसे सेटिंग करनी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क में आ जाना है और यहाँ पे आपको वाईफाई सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चैनल में आपका 11 चैनल सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे मोड जो है BGM मोड होना चाहिए। यदि आपके ये दोनों नहीं है तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देना, उसके बाद यहाँ पे आपको इसे सेव कर देना। यहाँ पे अप्लाई करते ही आपका ये जो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरी सेटिंग के लिए बताता हूँ। दूसरी सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे फिर से सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा LET, उसके बाद यहाँ पे APN वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से APN में आ जाना है। APN में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट APN जो सेटिंग दिख रही है यहाँ पे, यदि आपको डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटो होगा यहाँ पे इस तरह से होगा, आपको इसे मैनुअल करना है। यहाँ पे आपको APN में आपको जियो नेट लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे PVP4 डाल देना है। यहाँ पे जो IP टाइप आ रहा है वहाँ पे आपको डालने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे आपका वाईफाई रिस्टार्ट होगा और यहाँ पे आपकी सेटिंग है जो अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अभी मैं आपको स्पीड टेस्ट रन करके दिखा देता हूँ कि वाईफाई की स्पीड किस तरह से आ रही है। जो पहले आप देख सकते हो स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, अभी आप देख सकते हो, मैं अभी दोबारा रन करके आप बता देता हूँ मेरी वाईफाई की स्पीड किस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। यहाँ पे 10 MBPS 12 MBPS तक आ रही है और अपलोड की भी स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मेरी वाईफाई की स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इस तरह से आप अपनी वाईफाई की स्पीड बढ़ा सकते हो। मैंने जो प्रोसेस बताया, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोसेस सारा समझ में आ गया। यदि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है नीचे कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आप यहाँ पर मेरी स्पीड देख सकते हो, इस तरह से काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।